माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 और नंबर इज गिवन 26 क्वेश्चन है। व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि यह इसका जो कोन है, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा कब, व्हेन सरफेस एरिया इज गिवन एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मींस वी आर गिवन इन दिस केस, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन द सरफेस एरिया। तो जो डाइमेंशंस लेना थी, जो अजम्पशंस थी, वो मैंने पहले ही लिख रखी है, तो सारी वही है जो एज यूजुअल होती है। रेडियस एक्स है, हाइट वाई है, स्लांट हाइट एल है, सरफेस एरिया एस है, वॉल्यूम वी है। तो हमें जो गिवन है इन दिस क्वेश्चन, वी आर गिवन सरफेस एरिया। देखिए आप क्या गिवन है हमें, वी आर गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या चीज़ है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया एस हमने अज्यूम किया है। सरफेस एरिया इसका होता है पाई रेडियस स्क्वायर प्लस पाई रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, पाई रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। तो इस हिसाब से हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई रेडियस इज एक्स, स्लैंट हाइट इज एल। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो एल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एल का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एल की जगह हम लिख सकेंगे दोस्तों, यहाँ पर एल की जगह हम लिख पाएंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर वन है। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट, वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। तो v हमने वॉल्यूम को कंसीडर किया है, तो वॉल्यूम v, नाउ वॉल्यूम v इज इक्वल टू 5/3 रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 5/3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब अगर हम इसमें से सोचें कि इस वाली इक्वेशन से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और वन वेरिएबल मस्ट बी एलिमिनेटेड टू डिफरेंशिएट इट, इसे डिफरेंशिएट करेंगे जिसके लिए एक वेरिएबल एलिमिनेट करना आवश्यक है। तो वो वेरिएबल कौन सा होगा, तो वो वेरिएबल एक्स स्क्वायर अगर एलिमिनेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका इस तरीके से आएगा, ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा एस माइनस पाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच विल कंटेन एक्स अगेन, उसमें एक्स फिर से रहेगा। तो हम इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे, हम इससे वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स इसमें कई जगह है, आप देख सकते हैं एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स निकालने का थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इससे इस इक्वेशन से इक्वेशन वन की हेल्प से हम वाई निकालेंगे और y की वैल्यू हम अपनी वॉल्यूम की जो इक्वेशन है उसमें डालेंगे। तो इक्वेशन वन से देखिए y कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन वन से y निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिखें s माइनस पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एक्स। अगर उस पाई एक्स को भी हम नीचे भेज देते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा पाई एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें वाई की वैल्यू निकालना है तो नेचुरली स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को भी हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको आप नंबर टू दे दें। तो ये वो नंबर वन थी और ये नंबर टू है, इससे हम वाई स्क्वायर यानी वाई का वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, वाई की वैल्यू इस केस में हमारी होगी, वाई की वैल्यू रूट में होगी और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो वी क्या है, व्हाट इज़ वी, तो वी देखिएगा आप, वी का वैल्यू है पाई बाय थ्री एक्स स्क्वायर और वैल्यू ऑफ वाई वहाँ से देख लें आप, रूट ओवर एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है आपकी वाई की और उसका भी स्क्वायर रूट है। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमने कहाँ से सब्स्टिट्यूट की है, तो ये यहाँ पर हम कोट कर देते हैं कि वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है फ्रॉम वन। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तब सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा कि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटेबल थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देने लायक है कि वी स्क्वायर को हम अज्यूम कर लेंगे जेड, वी स्क्वायर को हम अज्यूम करेंगे जेड, और जब वी मैक्सिमम होगा तो जेड मैक्सिमम होगा, या ऐसा कहें कि जब जेड मैक्सिमम होगा तो वी मैक्सिमम होगा, जब जेड मिनिमम होगा तो वी मिनिमम होगा, क्योंकि वी कैन नॉट बी नेगेटिव, वी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान दें कि जेड और वी दोनों की डिपेंडेंसी एक जैसी है, व्हेन जेड इज़ मैक्सिमम वी इज़ मैक्सिमम, व्हेन जेड इज़ मिनिमम वी इज़ मिनिमम। तो वी आर रिप्लेसिंग दिस वी स्क्वायर, वी आर रिप्लेसिंग दिस वी स्क्वायर बाय व्हाट, वी आर रिप्लेसिंग दिस वी स्क्वायर बाय जेड, और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें इसको, तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एस पाई एक्स स्क्वायर होल अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये हो गया हमारे पास पाई स्क्वायर बाय नाइन एक्स टू द पावर फोर ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एस पाई एक्स स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर, ये पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर कैंसिल, और होल अपॉन क्या आने वाला दोस्तों, होल अपॉन इसके आएगा, इसके पूरे के अपॉन में आएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा आप, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया है, अब इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्वेश्चन की, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि स्पेस भी बनेगा और हम आगे का काम भी कर पाएंगे। तो z इज इक्वल टू देखिएगा क्या आया हमारे पास z इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाय नाइन मीन्स वन बाय नाइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखिए, अब इसमें इसको एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन है बड़े आसानी से हो सकता है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, माइनस टू एस पाई एक्स टू द पावर क्या होगा फोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें अपना जो प्रोसीजर है, जो रूटीन प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है हमारा, टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वी और टू z, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dz बाय dx। तो 1 बाय नाइन एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, s बीइंग कांस्टेंट क्योंकि s हमें गिवन है, माइनस ये हो जाएगा हमारा 2s पाई इंटू 4x क्यूब। अब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, हम इसे जीरो से इक्वेट करेंगे। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट्स, वी शैल इक्वेट dz बाय dx विद जीरो।
हम डी जेड बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो देखिएगा डी जेड बाई डी एक्स जीरो से जब इक्वेट होगा तो क्या आने वाला है हमारे पास, तब हमारे पास आएगा वन अपॉन नाइन टू एस स्क्वायर एक्स माइनस एट एस पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज अब आप इसको नाइन को उधर भेज दें तो क्या आएगा हमारे पास, जब आप इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टू एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एट एस पाई एक्स क्यूब, एट एस पाई एक्स क्यूब। देखिएगा अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, उसे कैंसिल कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 फोर जा 8, आप देखिएगा एक ये s है, ये इस s को कैंसिल कर सकता है। अब हमारे पास x ध्यान से देखें क्या आ गया है, एस एक्स इज इक्वल टू पाई फोर पाए फोर पाए एक्स क्यूब। अब x हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है तो x कैन नॉट बी ज़ीरो, तो ये x से हम इस एक्स स्क्वायर को इसको क्यूब को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज x कैन नॉट बी व्हाट, x कैन नॉट बी ज़ीरो, x ज़ीरो नहीं हो सकता। तो दिस इम्प्लाइज s अपॉन फोर पाए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एस अपॉन फोर पाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एंड देयर फोर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एस अपॉन फोर पाई, प्लस माइनस नहीं लेंगे हम, वी विल कंसीडर प्लस ओनली क्योंकि एक्स हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस रूट एस अपॉन पाई फोर पाई, वी विल नॉट कंसीडर दैट वैल्यू, उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर था, इससे हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें ये वेरीफाई करने के लिए कि जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, इसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो नाउ टू वेरीफाई दैट द फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, सो टू वेरीफाई वॉल्यूम इज v इज मैक्स एट x इज इक्वल टू रूट एस अपॉन फोर पाए, ये पता लगाने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू जेड बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू जेड बाय डी एक्स स्क्वायर डी जेड बाय डी एक्स का क्या होगा, तो डी जेड बाय डी एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 9 टू एस स्क्वायर एक्स, टू एस स्क्वायर बींग कॉन्स्टेंट एक्स का 1 माइनस एट एस पाई इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर है तो 8 एस पाई इंटू थ्री एक्स स्क्वायर विल बिकम 24 एस पाई एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या लिखना है हमें, एट एक्स इज इक्वल टू रूट एस अपॉन फोर पाए, एट एक्स इज इक्वल टू रूट एस अपॉन फोर पाए, एक्स की जगह ये वैल्यू डालें अगर हम तो क्या होगा देखिएगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू रूट एस अपॉन फोर पाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9 टू एस स्क्वायर माइनस 24 एस पाए एस एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस एस अपॉन फोर पाए एस अपॉन फोर पाए, ये देखिएगा पाए पाए कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल कर दे, 4 सिक्स जा 24, ये आ गया 1 बाय 9 टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस स्क्वायर मीन्स माइनस फोर एस स्क्वायर, तो माइनस फोर एस स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू रूट एस अपॉन फोर पाए, लेकिन हमसे कहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा, तो ये हमने वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x का वैल्यू ये होगा। तो ध्यान से देखिए x का वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए x का वैल्यू होना चाहिए रूट एस अपॉन फोर पाए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन फोर पाए, इसको लिख पाएंगे हम फोर पाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब अगर आपको याद हो कि s का वैल्यू क्या था, s का वैल्यू फ्रॉम 1, तो s का वैल्यू फ्रॉम 1 था 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स एल, ये था उसका वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से लिखा हमने, ये वैल्यू लिखा है फ्रॉम 1,
ये तो टू लिखी हुई है इक्वेशन, मैंने फ्रॉम वन, वन से लिखा हुआ है, आप पीछे जाके वन देख भी सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अब क्या होने वाला है। तो आप देखिएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस दिस पाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एक्स एल। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, एक्स से एक्स को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स, और एल को नीचे भेज देंगे एक्स अपॉन एल, ये हो जाएगा 1/3। अब इस राइट ट्राइंगल में देख लें आप ओ ए पी, इन दिस राइट ट्राइंगल ओ ए पी, इन दिस राइट ट्राइंगल ओ ए पी, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, राइट ट्राइंगल ओ ए पी में ये जो अल्फा है, ये अल्फा के सामने वाला जो होगी साइड उसको कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपरटेन्यूज। तो ये बनेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, मीन साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। देखिए देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज व्हाट, व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। तो ये इसका आंसर था, ये इसका प्रूफ था। तो होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्वेश्चन, और आपने इसका सोल्यूशन देखा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हो, तो माय व्हाट्सएप नंबर इज़ दिस, यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी टाइम, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको, आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ेगा। खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताएं, मेरी बेस्ट विशेस हैं। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।